हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एवरीवन सब ठीक है। आज हमारे पास सैमसंग M01 कोर है, जिसमें कि LCD लाइट की प्रॉब्लम आप देख पा रहे होंगे। हमारा LCD का लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि इस तरह से हमें LCD लाइट को डायग्नोस करना है। तो सबसे पहले आपको फ़ोन डिसेंबल कर लेना है। फ़ोन डिसेंबल करने के बाद मदरबोर्ड बाहर निकालनी है। अब यहाँ सबसे पहले आपको लाइट सेक्शन फोकस करनी है, क्योंकि इन सभी मॉडल का जल्दी स्कीमेटिक डायग्राम आपको मिलेगा नहीं, लेकिन लाइट सेक्शन देखने से ही पता चल जाता है कि हमारा कौन सा है। तो ये रहा हमारा लाइट सेक्शन, ठीक है। यहाँ दो कॉइल रहता है, एक कॉइल फ्यूज का काम करता है और एक कॉइल हमारा बूस्ट का काम करता है, ठीक है। तो हम अपने मदरबोर्ड को PCB स्टैंड में पहले फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से लाइट सेक्शन का डायग्नोसिस हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए, लाइट सेक्शन में जो जनरल होने वाली खराबी है, क्योंकि ये जो है लाइट ऐसी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। फ़ोन अगर वाटर डैमेज हो बहुत ज़्यादा तब खराब होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा सबसे ज़्यादा खराब हमारा कॉइल सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको अपने कॉइल पर टारगेट करना है कि कॉइल कहीं कटा हुआ तो नहीं है, ओपन तो नहीं है। ये कॉइल को पहले बाहर निकालनी है, और इस कॉइल को हम LCR मीटर से चेक करेंगे, क्योंकि नॉर्मल मीटर से बजर हम सिर्फ चेक करते हैं, तो उस बजर से हमारा क्लियरिटी सामने नहीं आता है। तो इसको हम LCR मीटर से चेक करेंगे कि ये कॉइल हमारा एक प्रॉपर हेनरी में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे LCR मल्टीमीटर, और आपको मालूम होना चाहिए कि एक हमारा कॉइल का जो हेनरी होता है वो कम से कम 8 हेनरी होना चाहिए। तो ये कॉइल आप देखेंगे हमारे LCR मीटर में कितना है, तो देखिए 2.9 है, जो कि 2.89 में हमारा लाइट कभी भी ऑन नहीं होगा, जो कि ये कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। और इस कॉइल को अगर आप अपनी साधारण मीटर से चेक करेंगे तो ये बीप करेगा, ये बचर करेगा, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ से ये कॉइल ख़राब है। तो आपके पास कोई भी अगर पुरानी बोर्ड है तो आप उस पुरानी बोर्ड से कॉइल निकाल सकते हैं, कोई भी लाइट सेक्शन से। तो ये हम एक किसी भी स्क्रैप बोर्ड से कॉइल निकाल रहे हैं, और ये कॉइल यहाँ से बाहर करेंगे। निकालने का टेम्परेचर 300-320 रहेगा, 300-320 का टेम्परेचर और 3 का एयर। और इस कॉइल को चेक करेंगे कि ये हमारा एक्चुअल में है हेनरी या नहीं। इसके लिए भी हम LCR मल्टीमीटर का ही प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा जो हेनरी है 12 हेनरी के करीब है, 12 हेनरी है इसका, ठीक है, 12 हेनरी। अब इसको फिक्स करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड पे PPD डाल देंगे, जिससे क्या होगा 183 PPD लगने से हमारा कॉइल आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। तो वहां पे 183 हल्का सा डाल देना है और इसको सोल्ड कर देना है। अब इसको हम 300 का हीट डालेंगे SMD से, और 25 का एयर डाल करके इस कॉइल को फिक्स करेंगे। ठीक है, कॉइल हमारा एडजस्ट हो गया। बोर्ड को ठंडा होने देंगे। और इसके बाद मोबाइल को यहां से रिमूव करेंगे मदरबोर्ड को, और हैंडसेट में फिक्स करेंगे और इसको चेक करेंगे। देखिए लाइट हमारा आ गया करेक्ट, एक बार में हमारा लाइट चल गया। तो LCR मल्टीमीटर हमारे लिए बेटर है।